Hey students, very good evening to all of you. Dear student, in this lecture we are going to discuss about Arrhenius equation, which is a part of chemical kinetics. So student, if you talk about Arrhenius equation, Arrhenius give a quantitative relationship between rate constant K and temperature T. Means he gave a quantitative relationship between rate constant K and T, means temperature. And what is this relation? He said that K is equal to A E minus EA by RT. This equation is called Arrhenius equation. This equation is called Arrhenius equation. And if you want to solve this Arrhenius equation, यहाँ पर k हमें मालूम है, k क्या है? It is rate constant. A जो है, it is called frequency factor, Arrhenius factor. And it is also called pre-exponential factor means क्योंकि ये exponential term से पहले है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, pre-exponential factor. Means ये नाम और ये नाम, ये तीनों ही name हमें क्या करने हैं, याद रखने कि A क्या है, it is also called frequency factor, Arrhenius factor and pre-exponential factor. And EA, this is activation energy, and R is gas constant, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि एनर्जी के टर्म्स में हम बात करें, इसलिए गैस कॉन्स्टेंट R की वैल्यू हमेशा हम यहाँ पर क्या लेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. एंड T, ऑब्वियस इट इज अ टेम्परेचर. ठीक है, if you talk about the A and EA, collectively A and EA, these are called Arrhenius parameter, collectively. Means कभी-कभी किसी किसी question में basically हमारे पास ये theoretical explanation नहीं है कि equation कहाँ से आई, हमारे पास सिर्फ क्या है, इसका mathematical expression है और उसका further हम solution करेंगे तो हमें numerical based question यहाँ से पूछ लिए जाते हैं. तो यहाँ पे हम बात करें अगर A और EA किसी भी क्वेश्चन में, तो दीज आर कलेक्टिवली कवर्ड Arrhenius पैरामीटर. तो किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला जा सकता है कि फाइंड आउट Arrhenius पैरामीटर इन दिस क्वेश्चन, तो इट्स मीन दैट यू हैव टू फाइंड A एंड EA बोथ, मींस एक्टिवेशन एनर्जी भी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, हमें दोनों ही क्या करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करने होंगे. तो दिस इक्वेशन इट इज कॉल्ड Arrhenius इक्वेशन. इफ यू वॉन्ट टू सोल्व दिस, मीन्स अगर हमें ये जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको लॉग की पावर 10 पे इसमें कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, लेट मी टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, इसका लॉगरिथम लेके हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. दैट इज गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर, ये सब इसकी क्या है, वैल्यूज है. बच्चे अगर हम क्या करें, लॉगरिथम ले दोनों साइड, टेक लॉगरिथम बोथ साइड, देन व्हाट हैपन, वी कैन राइट. देखिए मैं पहले नेचुरल लॉग ले रही हूँ, दैट इज ln k, दैट इज ln a, और नेचुरल लॉग से तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, ea by में rt. तो जब मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग दोनों तरफ लिया इसका, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आई, नेचुरल लॉग k, नेचुरल लॉग a माइनस ea by में r2, क्योंकि नेचुरल लॉग से a जो है वो नेचुरल लॉग से कैंसिल आउट हो गया. अब देखिए अगर मैं इसको 10 पे इसमें कन्वर्ट करूं, तो हम क्या करते हैं, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी हो गया 2.303 log a माइनस ea by में rt. अब अगर मैं इस 2.303 को इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं, तो देखिए क्या होगा, ये दोनों ही तरफ आएगा, जब ये यहाँ आएगा तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे भी, हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई में 2.303 rt. तो दिस इज द
another most important form of Arrhenius equation. This is also called Arrhenius equation. This is also called Arrhenius equation. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बहुत इजिली सोल्व भी किया जा सकते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स इससे बेसिस पर, इसके बेसिस पर आते हैं. तो लोग के दैट इज इक्वल टू लॉगरिथम ए माइनस ई ए बाय में 2.303 आर टी. हमने कहा ये सब वैल्यूज हमें मालूम है कि क्या क्या होती हैं. ठीक है, फिर हमें ग्राफिकल फॉर्म में मीन्स ये भी और ये भी, ये वाली इक्वेशन हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है. ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, अगर बीच हमें ग्राफ दे दिया जाए किसके बीच में, लॉग के एंड वन ओवर टी के बीच में. ठीक है ना, सो लेट वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड वन ओवर टी वर्सेज वन ओवर टी. तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आएंगे. देखिए लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय में 2.303 आर वन ओवर टी हम लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्लस लॉग के. ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो आप देख पा रहे हैं इंटरसेप्ट कैसा बच्चे पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू कितनी है लॉग के, और इसके रिस्पेक्ट में तो हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना, मतलब ये तो किसकी वैल्यू है x, ये हमारी स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, कितनी माइनस ई ए बाय में 2.303 आर, मतलब स्लोप कैसी है नेगेटिव. तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, निकाय लॉग के और किसके वन ओवर ई के पर से, तो हमारा ग्राफ कैसा आना चाहिए विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट. तो ग्राफ कैसा होता है, ये वाला, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट जो कि कितनी है लॉग ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, ये किसकी वैल्यू है इंटरसेप्ट इतनी, और ये पूरा वर्सेस किसके ड्रॉ है दैट इज लॉग के. कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज है, एक तो मेरे को कमेंट भी आया कि मैम इधर लॉग के भी लिखा है लॉग ए भी लिखा है, बच्चे ये तो वर्सेस हम बना रहे हैं लॉग के वर्सेस वन ओवर टी, लेकिन जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो इतनी है. ठीक है ना, लॉग के जो भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू कितनी है माइनस ई ए बाय में 2.303 आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप मींस नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट. तो बच्चे हमें एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत सिंपल आता है किस फॉर्म में, कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्लोप या फ्रॉम स्लोप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, आपको इस तरीके से दे देंगे. देखिए हमने कहा स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है माइनस ई ए बाय में 2.303 आर. ठीक है, अब देखिए अगर मुझे ई ए चाहिए तो मेरे पास ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज नेगेटिव स्लोप इंटू 2.303 आर. तो इस तरीके से भी आप एक्टिवेशन एनर्जी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. बहुत सिंपल कंसेप्ट आएगा, स्लोप की वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में जो कि नेगेटिव दी होगी, नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई बाय में 2.303 इनटू आर. तो इस सारे को सॉल्व करके हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी. मीन्स इस तरीके से अगर ग्राफिकल फॉर्म में आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो वो बहुत ज्यादा आसान है इस तरीके से. तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट इक्वेशन विच वी हैव टू लर्न, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्लोप विच इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप इनटू 2.303 आर. तो इस तरीके से लॉगरिथम ए और वन ओवर टी के वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करते हुए आप एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली बच्चे हमें एक्टिवेशन एनर्जी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. ओके, सो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है, देखिए हमारे पास एक रिलेशन है कि लोग के इट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है लॉग ए माइनस ई ए बाय में 2.303 आर डी. दिस इज द अरहेनियस इक्वेशन. देखिए बच्चे अगर मुझे टू डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल दूँ लॉग के वन
इज इक्वल टू लॉग ए, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी 2.303 आर टी वन, दैट इज इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं, ठीक है। एंड एट सेकेंड टेम्परेचर लॉग के टू इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई में 2.303 आर टी टू, मीन दिस इज एट टेम्परेचर टी टू, दिस इज एट टेम्परेचर ए बाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू माइनस इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, देखिए इट्स मीन दैट वी हैव टू राइट लॉग ए टू माइनस लॉग ए वन विच इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ए, तो लॉग ए से माइनस लॉग ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो दोनों आपस में कट गए, देखिए लॉग ए माइनस लॉग ए तो ये तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, है ना। इधर देखिए हमें लिखा ई ए बाय में 2.303 आर, ठीक है बच्चे ये इसमें भी है इसमें भी, तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर अंदर क्या बचा वन ओवर, देखिए टी टू जो होगा या आर टी टू में से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, यस टी वन माइनस टी टू, ठीक है। अगर आप इसको देखिए ओपन करेंगे तो ये हो गया ई ए बाई 2.303 वन ओवर टी वन, क्योंकि हमने इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया प्लस का, और ये किसका हुआ माइनस का, तो ये क्या हो गया वन ओवर टी वन माइनस वन ओवर टी टू, तो दिस इज द अनदर फॉर्म, और इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए ई ए बाई में 2.303 आर टी वन इंटू टी टू टी टू माइनस टी वन, और इधर लॉग के टू बाय में के वन, बिकॉज हमें मालूम है कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को हम क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स बाय में वाई, है ना, लॉग एक्स माइनस वाई को क्या लिखा जा सकता है लॉग एक्स बाय में वाई, तो हमने लिख दिया लॉग के टू बाय में के वन इज इक्वल टू ए बाय में 2.303 आर टी टू माइनस टी वन टी वन इंटू टी टू, सॉरी, तो इस तरीके से टी टू माइनस टी वन टी वन इंटू टी टू, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली अरहेनियस से तीन इक्वेशन देखने को मिलती हैं, फर्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड फॉर द वैल्यू ऑफ स्लोप, एंड थर्ड विच इज इक्वल टू लॉग के टू बाय में के वन। देखिए बच्चे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आपको दो रेट कॉन्स्टेंट मिलेंगे के टू और के वन, दो टेम्परेचर आपको मिलेंगे, और आपको कह देंगे कि फाइंड ई ए, ई ए की वैल्यू आप डिटरमाइन कीजिए, तो बेस है बाकी सब चीजें आपको अगर गिवन है तो आप आसानी से ई ए निकाल सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू आपको मालूम होती है, ये सब आपको मालूम होता है, ठीक है। ध्यान रखिए हमेशा के टू बाय में के वन, इस तरीके से बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी कंसेप्ट, तो इससे रिलेटेड लेट मी डू वन और टू न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट बिफोर डूइंग न्यूमेरिकल्स लेट मी डिस्कस अ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, या वी कैन से दैट इज कोरिलेशन बिटवीन अ कोलिजन थ्योरी एंड अरहेनियस इक्वेशन। देखिए बच्चे अगर आपको याद हो कोलिजन थ्योरी में हमने कहा था कि जो रेट हो गया दैट इज इक्वल टू जेड इन टू एफ, जहां पर हमने कहा था z अगर कोई मैं नॉर्मल रिएक्शन मान रही हूँ कि a प्लस बी इट विल लीड्स टू बी प्रोडक्ट, मीन्स a और b मिलकर क्या बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो हम क्या बोलते थे कि z यहाँ पर क्या है दैट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं z a b लिख सकती हूँ, और यहाँ पर जो f है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, f हमारी रिप्रेजेंट करती थी किसको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन e माइनस ई ए बाई में आर टी, मीन इसकी जो वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी दैट इज इक्वल टू e माइनस ई ए बाई में आर टी, समझ में आ रही है, मीन्स ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ए ए, और जो हमने इक्वेशन लिखी थी अरहेनियस में भी ये टर्म वहां पर भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, मीन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं रेट दैट इज इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ई ए बाय में आर टी,
दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट कॉन्स्टेंट के के, इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ के इज इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ए बाई में आर डी। यहाँ पर हमने कहा कि जेड क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी जो कि इसके बराबर है इक्वल और ग्रेटर देन ई ए। ठीक है, देखिए हमने वहां पर एक और बात करी थी किस चीज की, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर डिपेंड करेगी, मीन जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव फॉर्मेशन की हम बोल सकते हैं, उतने ही ज्यादा क्या होंगे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो वहां पर हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर की और बात करी थी, तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं विच इज कॉल्ड पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर विच इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई माइनस ई ए बाय में आर ए। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मीन्स प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स के आपस में स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी। और अगर अभी अभी अरहेनियस की हमने बात करी, अरहेनियस को रिप्रेजेंट करता है दैट इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय में आर टी दैट इज इक्वल टू के। तो अगर मैं इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये जो कॉन्स्टेंट है ए वो इस कॉन्स्टेंट के बराबर है, मीन्स ए इज इक्वल टू पी जेड ए बी, जहां पर पी क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है और जेड को हमने क्या किया इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से एक्चुअली में ये दोनों ही टर्म एक दूसरे को क्या करती है कोरिलेट, मीन दिस इज अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द अरहेनियस इक्वेशन। नाउ लेट मी डिस्कस वन और टू न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। सो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन दैट इज फॉर अ डीकंपोजिशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स आर गिवन बिलो के वन एंड के टू, ये वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है एट दिस एंड दिस टेंपरेचर। तो हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लोग के टू बाय में के वन दैट इज इक्वल टू ई ए बाय में 2.303 आर 1 ओवर T1, या मैं सिंपली लिख देती हूँ T1 इनटू T2 माइनस T1, ये रिलेशन हमारे पास। तो बच्चे आप इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए लॉगरिथम ये वैल्यू है हमारे पास 2.39 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय में 2.15 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 इज इक्वल टू ई ए, हमें निकालनी है 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पर टी टू देखिए बच्चे कितना है 700 माइनस 650 और डिवाइड कर देंगे हम इनको 700 मल्टीप्लाई बाय में 650। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए 7 से 7 चले जाएंगे, यहाँ पे 10 के पावर माइनस 1 बच गया है, इसको मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ दिस वन, देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, हमारे पास ऊपर बच गया 2390, नीचे बच गया 215। अब आप आसानी से इसको लिख सकते हैं क्या, log 2390 माइनस log 215 दैट इज इक्वल टू ea। बाकी सारा सॉल्यूशन करना है आप अपने आप सोल्व कर लीजिएगा, और इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर भी क्या करिएगा कमेंट करिएगा। लॉगरिथम मैं आपको ऑलरेडी देखना बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 4 है तो 4 माइनस 1 मतलब 3.23 के 9 में लॉगरिथम देख लेंगे। यहाँ पर लॉग 2153 डिजिट है, 3 माइनस 1 की 2 और 21 के 5 में लॉगरिथम देख के आप इसको क्या कर सकते हैं, इन सब क्वांटिटीज को इधर ले आइएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि किसी में आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रही हो और के वन के टू में से कोई एक वैल्यू आपको पूछी हो कि किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमें ए ई ए और क्या निकालने के लिए बोलते हैं, ए निकालने के लिए बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ए, अगर इसी क्वेश्चन में हमें ए भी पूछा होता तो हम वहां पे कौन सी इक्वेशन यूज करते, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय में 2.303 आर टी। तो यहाँ पर या तो ये वाली इक्वेशन यूज करके या ये वाली इक्वेशन यूज करके, तो वहां से मैं क्या निकाल सकती थी, ए की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें ये मिल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे दिया। क्वेश्चन आ गए कि व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड लॉग ए वर्सेस 1 ओवर टी देन ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ लॉग कम आउट टू बी दिस वन, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि लॉग के और 1 ओवर टी के वर्सेस जब ग्राफ ड्रॉ किया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था मैंने लिखा नहीं, तो इसके और इसके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो स्लोप की वैल्यू इतनी आई है,
तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। देखिए बच्चे, हमें अभी भी पढ़ा था कि जो स्लोप है वो कितनी होती है, माइनस ई ए बाय में 2.303 R T, ठीक है, सॉरी 2.303 R, इसके बराबर होती है। स्लोप की वैल्यू आपको गिवन है -4250, हमें क्या निकालना है ई ए विच इज इक्वल टू 2.303 R इज इक्वल टू ई ए, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 8.314। इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ से बहुत आसानी से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको स्लोप की वैल्यू देकर और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बोल दिया जाए। तो स्टूडेंट, दिस इज द वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड किस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी से के निकाल सकते हैं। देखिए, सारे सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखनी है, बाकी तो सारी मॉडिफिकेशन है। बच्चे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको दे दे, अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर केमिकल काइनेटिक्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कंटेक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में और कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट, तो आप बच्चे मुझे पर्सनली कंटेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो फिर मैं कुछ और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस डिस्कस कर दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ रेस्ट।